चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया है, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन की रिपोर्ट्स आने के बाद जाहिर होता है पीपी शफाफ इंतखाबात के लिए कोई इरादा नहीं रखती, इसके बजाय वोट के लिए ताकत, ब्लैकमेल और पैसे के इस्तेमाल है। वाज़े हुआ कि बदमाशों और उनके हैंडलर्स ने ईवीएम क्यों खत्म किया, इस तरह के इंतखाबात से वो इस्तेहकाम नहीं आएगा जो लाना चाहते हैं। हेरा फेरी वाले इंतखाबात मजीद इश्तियाल और अनारकी का बायस बनेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये ट्वीट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बॉर्डर को भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।